हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लनवृद्ध दीमन। एनडीपीएस न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जहां पर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी यहां पर आई हुई है। तो पीजीटी की यहां पर मैंने शो की है, बहुत सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी है। इसके अलावा टीजीटी में ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है और पीआरटी में भी सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसी है। जिस तरीके से दिल्ली पब्लिक स्कूल है, एपीएस है, उसी तरीके से इस स्कूल का भी बहुत नाम है। और जैसे बड़े स्कूल हैं तो आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिलने वाली है। दो ही चीज़ यहाँ पर मांगी गई है, एक तो आपके पास बीएड होना चाहिए, प्लस आप लोगों की आपके सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ कोई एग्जाम नहीं होगा, एप्लीकेशन के समय कोई फीस नहीं लगेगी आपकी, और बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ एप्लीकेशन आप कर पाओगे। सीटेट जो है यहाँ पर डिमांड नहीं की गई है। तो चलिए देखते हैं, इसकी जो है ऑफिशियल साइट पर चलेंगे सबसे पहले हम लोग। तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल इसके होम पेज पर ही आप देख सकते हैं, येलो में लिखा हुआ है वैकेंसीज 2023-24। तो आपको डायरेक्ट इस पर क्लिक करना है। स्कूल का स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हो कि बहुत बड़ा स्कूल है और बहुत अच्छा स्कूल है और इसका नाम भी काफ़ी है, ठीक है। तो जैसे ही आप वैकेंसीज पर गए तो ये पेज आपके सामने ओपन हो गया और सारी वैकेंसीज जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। जहाँ पर जो है वाइस प्रिंसिपल मेल या फीमेल की वैकेंसी है, डीन ऑफ एक्टिविटीज मेल फीमेल, हेड मिस्ट्रेस प्राइमरी विंग में फीमेल की यहाँ पर आवश्यकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट की। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएट अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएट प्लस बीएड चाहिए, पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता ही है कि पीआरटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है या तो 12th मांगी जाती है या आपने कोई डिप्लोमा किया हो 2 साल का। सब्जेक्ट में अगर हम बात करें पीजीटी में, तो कॉमर्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, पॉलिटिकल साइंस, फ्रेंच, पेंटिंग एंड ड्राइंग, हिंदी, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस यानी आईपी कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वोकल म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल स्टडीज, साइकोलॉजी, ठीक है। ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। टीजीटी में देखिए ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस एंड कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट हैं टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो। तो यहाँ ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपकी डिमांड की गई है, सीटेट की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया। पीआरटी में जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी 1 to 5 के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, स्पेशल एडुकेटर की, फाइन आर्ट टीचर की, स्पोर्ट कोच फॉर ऑल डिसिप्लिन की, ठीक है, करियर काउंसलर की, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी है, टाइपिस्ट की, साउंड इंजीनियर की, स्टोर कीपर, गार्डन सुपरवाइजर, नर्स, लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर, इतनी सारी वैकेंसी हैं। तो एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस बीएड जो है वो टीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड पीजीटी के लिए, ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपका रहा हो। नेक्स्ट इन्होंने ये लिखा है कि ऑल क्वालिफिकेशन एज रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम रिप्यूटेड स्कूल एंड कॉलेज, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वह एज रेगुलर स्टूडेंट की रही हो, किसी भी स्कूल या कॉलेज से आपने क्वालिफिकेशन ली है, ठीक है। प्राइवेट स्टूडेंट के लिए जो है ये जॉब नहीं है, रेगुलर स्टूडेंट के लिए है। 5 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम में रिप्यूटेड सीबीएसई स्कूल, यानी कोई भी सीबीएसई स्कूल या कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप लोगों का 5 साल का अगर कम से कम एक्सपीरियंस है अगर पढ़ाने का, तो आप यहां पर अप्लाई करें, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां सब्जेक्ट जो है वो काफी हैं, पीजीटी में आप देख सकते हो, टीजीटी में भी अगर आप किसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आप यहां देख लें। अब अप्लाई जो है वो आपको कैसे करना है, लास्ट में लाइन है कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई फॉर द अबव पोजीशन में ईमेल, आपको ईमेल करना है, ठीक है। देयर डिटेल सीवी विद अ कवर नोट, तो एक तो बायोडाटा और उसके साथ में आपको कवर नोट, अभी मैं आप लोगों को बायोडाटा और कवर नोट दोनों ही दिखा दूंगी, एंड देयर रिसेंट फोटोग्राफ और साथ में फोटोग्राफ एट, तो आपको यहां पर जो है वो ईमेल करना है, ठीक है। सिंपल तरीका है करने का, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है सीवी और साथ में जो है वो कवर नोट और फोटोग्राफ, ठीक है। आपको क्या करना है कि इनको जो है पीडीएफ फॉर्मेट स्कैन करना है और उसके बाद पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और इस ईमेल पर आप लोगों को सेंड कर देना है। तो ये देखिए, ये बायोडाटा है जिसको आप खुद भी टाइप कर सकते हैं या करवा भी सकते हैं। तो यहाँ जो है वो अपना नाम, पता, एड्रेस, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब कुछ लिख के, एड्रेस लिख के और यहाँ पर साइन कर देंगे।
और कवर लेटर जो है वो इस तरीके का रहता है, जो कि आप इसके साथ में ही जो है वो अटैच करेंगे, और यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन टाइप की होती है, ठीक है। तो आप लोग अगर गूगल पर सर्च करेंगे कवर लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन, तो आप लोगों को बिल्कुल सैंपल मिल जाएगा। उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर टाइप करके या फिर किसी से करवा के, और उसके बाद जो है स्कैन करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जो है वो ईमेल जो आईडी दी है उस पर आपको सेंड करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।